यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि बदमाश कल्चर इसके नतीजे में आ जाएगा, लेकिन सरकार कहती है जी कम करावांगे असीं फिरैना कोलों। सरकार काम नहीं करावांगे, काम ही ऑलरेडी कर रहे हैं, एक महकमा चलन दे आ सारा मसला जिहड़ा बिजली चोरां दा सारा जिहड़े 59 ए खत्म की गए इहनूं बहाल किया जाए, 462 दफा जिहड़ी हैगी काबले जमानत हैगी आ, बिजली चोर तंदरां दे फिरदे पए ने, उह साडे तों तगड़े ने, उह वी इहनां सियासतदारां दे बिजली चोर ने, ठीक है जी, उह सानूं मारदे वी ने, सानूं रिकवरी वी नहीं दिंदे। नतीजे अगर यहाँ पर ठेकेदार आ जाएगा तो वो सख्ती से काम करवा लेगा। काम हम कर रहे हैं, काम का मसला नहीं है इधर, इधर सियासत का मसला, बिजली चोरी का मसला है। 259 बहाल करो, बिजली चोरी 259 लोग कहते हैं बिजली चोरी तो आप लोग खुद करवाते हैं, बिजली चोरी हम नहीं करवाते, हम तो इसको कबीरा गुनाह समझते हैं, जो बिजली चोरी सियासतदान करवाते हैं, जो बिजली चोरी हुक्मरान करवाते हैं, बिजली चोरी जो है सियासतदान और हुक्मरान करवाते हैं, खुद करा रहे हैं, नहीं तो इनके कर्से चमचे हैं, हर गांव में लंबड़दार चोरी कर रहा है, हर गांव में मेंबर चोरी कर रहा है, हर गांव में चेयरमैन चोरी कर रहा है, मैं आपको 20,500 दिखाता हूँ जो इनके चौधरी चोरियों कर रहे हैं बिजली, 59 को बहाल किया जाए, मारा मुतालबा के 59 को बहाल किया जाए, 462 को खत्म किया जाए, 59 बहाल होने से क्या होगा ये लोगों को पता चलेगा कि इसकी सजा है, अच्छा। इसके ऊपर जुर्माना पड़ता है, अच्छा। 462 काबिल जमानतफा है, ये खत्म होनी चाहिए, ये तो साल है हमारे मुलाजमीन का, आपका नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी अफजल खान है। हाजी, हाजी साहब, लोग तो आपके लाइन मैन से तंग है सारे के सारे, असल में आप दिन रात हम आपकी आवाम की खिदमत करते हैं, अच्छा। चोरों की हम खिदमत नहीं करना चाहते, बल्कि आवाम के हम नौकर हैं, ताबेदार हैं, देर रात उनकी सप्लाई बहाल करते हैं, अपनी जानों पर खेल कर, अपनी जानों का पेश करके अपनी जानों का नजराना सप्लाई बहाल करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताए, एक बात बताए, एक बात बताए, अगर प्राइवेट हो जाएगा तो एक वहाँ पे बंदा आके बैठेगा, वो आपको अच्छी तनख्वाह देगा, आपसे अच्छा काम नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, प्राइवेट कंपनी अच्छी तनख्वाह देखे ना, नहीं देखे, हाँ जी, हम 24 आवर काम करते हैं, हमारे मुलाजिम हम घरों से बुला कर आके सिलाई बहाल करते हैं, हम बारिश में सिलाई बहाल करते हैं, हम आंधी में सिलाई बहाल करते हैं, लेकिन हमारा मुतालबा है कि 59 बहाल की जाए, 59 जो है वो बुनियादी तौर पर बिजली चोरी के खिलाफ सही दफा है, बिजली चोरी उससे बिजली चोरी का जमानत है, जमाने के बाद जमानत होती है, सही है, 462 आई जी, ये हमारे लिए फ्रॉड है जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़िम यहाँ इसलिए लाइन मैनों से, नजम भाई इसलिए तंग किया जा रहा है, लोगों को ये दिया जा रहा है कि स्टाफ ही नहीं है, अब दो लाइन मैन होते हैं ड्यूटी के दौरान, वो दो लाइन मैन 6-6 किलोमीटर का फीडर का एरिया है, वो कैसे उसको कवर करेगा, ये जान के किया जा रहा है, वही अगर स्टाफ आप देंगे जब वो लाइन मैन टाइम पे पहुंचेगा कोई तंग ही नहीं होगा लाइन मैन से। देखें ये रिफाई अम्मा का इदारा है, इस वक्त आपका जो लाइन मैन है हमारा वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहा है, 57 लाइन मैन हमारे शहीद हो चुके हैं, वो ऐसे ही थोड़ी शहीद हो गए। सही, अब मैं बिल्कुल इससे से इनकार नहीं करता कि आपका लाइन मैन जो है वो जानों के नजराने पेश कर रहा है, मैं इससे भी इनकार नहीं करता कि आपका लाइन मैन जो है वो बिजली बहाल करता है बारिश के बाद भी, जब भी रात के वक्त भी आता है, लेकिन कर दे बड़ी देर बाद, सर बताया उसकी वजह क्या है ना, बंदे ही काम है, स्टाफ काम है, कंप्लेंट करने के बाद, कंप्लेंट करने के बाद 6-6 घंटे बंदा नहीं आता, नहीं मुझे बताना, देखिए जब स्टाफ ही काम है, 46,000 कंज्यूमर हमारे दफ्तर 50 किलोमीटर दूर है, अगर कोई कंप्लेंट करता है ना, हमारे पास तो गाड़ी नहीं होती, अफसरों के पास गाड़ियाँ है सारी, सर हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, सर लाहौर में तो 50 किलोमीटर नहीं है ना, लाहौर में करते हैं, स्टाफ हमारा काम है, लाइनमैन हमारे पास काम है, हर शिफ्ट में एक लाइन मैन है, 20-30,000 कंज्यूमर है, 20-30,000 कंज्यूमर को हमने डील करना है, सही है, ठीक है, एक लाइन मैन ने एक कंप्लेंट की तरफ जाना है ना, सही है, उसकी जब तरतीब आएगी उसके साथ उसको जाना है, एक लाइन मैन ने अगर 20,000 कंज्यूमर को डील करना है तो आप बताए ना वो कैसे इसको डील करेगा, तो फिर ठीक है ना, प्राइवेट बंदा ले आए अपने बंदे ले आए, देखिए मुझे आपके SDO XCN आम बंदे का फोन सुनते ही नहीं है, कंप्लेंट कर देते हैं, बिजली चली जाती है, कोई सुनता ही नहीं है, तो बात होती है, तो बात तो सुने ना, बात तो सुने ना, अगर प्राइवेट हो जाएगा तो बात तो सुनेंगे ना, नहीं सुनेंगे। हाँ ये एक बात है, अब लश्कों में तकरीबन 6,300 शामी खाली है, ये मेरी बात सुने भाई, 6,300 शामी खाली है लश्कों में, इसके ऊपर भर्ती करें, हमारा स्टाफ पूरा करें, यार सर दें हमें स्टाफ दे, निजकारी ना मंजूर जी, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर,
अगर निचकारी होगी कोई हमारी कंप्लेंट सुन लेगा, कोई काम कर लेगा। अब हम आपको कहते हैं हमारी बिजली बंद हो गई है, 6-6 घंटे इंतजार करते रहते हैं, सारे सवालों के जवाब देंगे। बिल्कुल दूंगा सर, आप बताइए। सलूट है आपको, आपने ये क्वेश्चन किए हमसे, अगर कोई पहले क्वेश्चन करता तो हम उनको जवाब देते हैं पूरी। सही बताइए, गुड मैन है। सबसे पहले सर बात आपने की है कि जो गवर्नमेंट है वो इसलिए खत्म करना चाह रही है कि आप लोग काम नहीं करते। जी हाँ, ऐसे ही हुआ सर? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। अब इस तरह अदारे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आप तो कहते हैं हमारी वाम तो कहती है पंजाब पुलिस वाले हमारी नहीं सुनते। सही है, तो सारे अदारे खत्म कर देंगे आप। सर सुन रहे हैं मेरी बात? सुने। अच्छा, दूसरी बात, एक लाइनमैन काम कर रहा है, एक इलाका पूरा बंद है। अब एक दो कंप्लेने आ रही है, जैसे भी सिंगल घर की आ रही है, पहले वो पूरा इलाका देखा जाएगा या सिंगल घरों को देखा जाएगा? मेरी बात सुने सर। अच्छा, लेबर कितनी है? सारे भाई यही बार बार कह रहे थे। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। आप सब भाइयों को ये कह रहे थे काम नहीं करते। जी हाँ, सबसे पहले देखा जाएगा पूरा एक इलाका बंद है। अगर 1 करोड़ आबादी बंद है या 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, उनको देख रहे हैं या पहले सिंगल घर को देख रहे हैं? सर लेबर कम है, बार बार आपको कह रहे हैं कि लेबर कम है। सर लेबर हमें दी जाए, हमें सहूलतें दी जाए, काम कैसे नहीं होता? दूसरा, चोरी की बात आ गई। चोरी में सर सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा, हमें कोई सहूलत नहीं दी। जब हम चोरी पकड़ते हम पटाई खा के आ जाते हैं। मेरी बात सुने, हमें कुछ गार्ड दिए हुए बदमाश इलाके के होते हैं, निकल जो गन्ने पकड़ के सामने खड़े हो जाते हैं, पटाई करते हैं। मेरी खुद पटाई हुई है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो इलाके के वो क्या होता है, ये मूली के हैं, ये तरीके इंसाफ के हैं। अच्छा, सर ये मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। सही, उस वक्त ये थोड़ी सी होती है जब इलाके बंद होते हैं, लाइनमैन घूम रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। सर उस वक्त देखिए लेबर काम में 3-4 लोग हैं, वो 3-4 लोग पूरा इलाका कैसे एकदम ठीक कर लेंगे? सर ये मेरी बात सुने, ये लेबर बढ़ाए, ये आपके देखिए मेरी बात सुने, फिर वहाँ पे ठेकेदार आ जाएगा, वो बंदे ले आएगा, बंदे पूरे कर लेगा, बंदे पूरे कर लेगा। एक बंदे को आप तनख्वाह गवर्नमेंट दे रही है 50,000, पुलिस को भी ठेकेदारों के हवाले कर दे। अच्छा, आप पुलिस को भी ठेकेदारों के हवाले। अच्छा, आप ये कह रहे हैं तमाम महकमे जो है, आप ये अगर लेस्को नहीं चल रहा तो, लेकिन वो कहते हैं कि हम सरकार का मेहनत कर रहे हैं लेस्को। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, धुंध के दिन होते हैं लेस्को, रात को सुकून से लोग घरों में होते हैं, लेबर बाहर काम कर रही होती है। सर हमें क्या सहूलत दी है? टार्चे दी है या हमें कोई गाड़ियां दी है? पैदल घूम रहे होते हैं हम, सर्दी लग रही होती है। सर ठेकेदार जो है वो जो अगर भर्ती करेगा, ठेकेदार निजाम आएगा तो हमें फैसिलिटेट करें ना, हमें लेबर दें। सर मैंने आपके हम इसको और जो है ना इसको और जो है ना हम इसकी बका के लिए एक लाइनमैन जो है ना, एक लाइनमैन बनते बनते उसको 10 साल लगते हैं। ये इतना खतरनाक काम है कि ये जो है ना हमारा फौजियों से भी खतरनाक काम है। आए दिन हमारे जो है ना आवाम जो है ना शहीद होती है, हमारे बंदे शहीद होते हैं। लाइनमैन तो सही है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, एक लाइनमैन 10-10 लाइनमैनों का काम कर रहा है। सेफ्टी इक्विपमेंट की भी कमी है, सेफ्टी भी जीरो है, और बाकी चीजें कम है। मेरी बात सुने, जब हम भर्ती हुए थे ना 2003 में, एक कंप्लेंट पे एक लाइनमैन के साथ 3-3 असिस्टेंट लाइनमैन होते थे। अब एक लाइनमैन है और एक असिस्टेंट लाइनमैन है और एक जो है ना टेलीफोन ऑपरेटर है ना, टेलीफोन ऑपरेटर भर्ती होते हैं, असिस्टेंट लाइनमैन को ये टेलीफोन पे बिठाना पड़ता है, कभी किसी को पकड़ के बिठाना पड़ता है। 27,000 कंज्यूमर है, मगर हम चला रहे हैं, कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं।